हाथरस में एक नल के भरोसे 50 परिवार पीने के पानी के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर। नगला बोरिया के ग्रामीण अब सड़कों पर उतर आए हैं। पीने के पानी का एक नल झगड़े की जड़ बन गया है। हाथरस सदर क्षेत्र के गांव नगला बोरिया के बाशिंदे पानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। गांव में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण ग्रामीण महिला पुरुष एक नल पर लंबी लाइनें लगाकर पानी भरते हैं। यहां के लोग घंटों लाइन में लगने के बाद पानी लाकर प्यास बुझाते हैं, लेकिन जिम्मेदार नगर पालिका द्वारा ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराए जाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नगला बोरिया गांव में पानी की समस्या काफी पुरानी है, क्योंकि यहां घनी आबादी में एक ही नल लगा हुआ है। इसके चलते लोगों को घंटों लाइन में लगकर पानी भरना पड़ता है। कभी कभी पानी भरने को लेकर महिलाओं में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। महिलाओं का कहना है कि हमारे घर से मजदूरी पर जाने के लिए लोग रोजाना लेट हो जाते हैं और ना ही बच्चे पढ़ने के लिए समय पर पहुंच पाते हैं। ग्रामीण कई बार उच्च अधिकारियों तक को पत्र लिखकर गाँव की पेयजल समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग कर चुके हैं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों से भी मांग की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की जायज मांग को तवज्जो नहीं दी। इसी को लेकर गांव के ग्रामीण महिला पुरुषों के द्वारा प्रदर्शन कर पानी की समस्या को दूर कराए जाने की मांग की है। अब देखना ये होगा, ये खबर चलने के बाद प्रशासन क्या कुछ इस खबर पर संज्ञान लेता है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? क्या समस्या है पानी वाली? पानी की समस्या समर खराब हो चुकी है, प्यासे मर। कितने दिन से खराब है समर? 2 साल हो चुकी। अब तक किसी की शिकायत की आपने? कोई शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं आ रही। क्या नाम आपका? क्या समस्या आपकी? पानी ना इतने बीच में ना। कब से पानी नहीं है? 2 साल हो गए। 2 साल से पानी नहीं आ रहा? ना बिल्कुल खूब कर आए, बीओ के जोरे तलक ढोले आए, कोई धान के जोरे तलक ढोले आए, अब चेयरमैन एक दिन के जोरे ढोले आए। क्या बोला जाता आपसे? कह देते हैं है। माता जी क्या समस्या है आपकी? समस्या है बेटा पानी ना है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बोरिया नगर आके। कितने दिन हो गए पानी की समस्या को लेकर? 2 साल है गई। 2 साल से पानी की समस्या अब हल नहीं हुई है? हाँ। क्या बोला जाता है आपसे? लाइन लग जाते हैं, भीड़ लग जाते हैं, लड़ाई है, तेरो मत जाए, मेरो जी जा, तेरो मत जाए, मेरो जी जा। ये जो पानी का पानी जो दे रहा है नल, ये किसके पैसे से बना था? सरकारी से पैसे से बना। क्या नाम आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? ये आपके गांव में जो सूचना मिल रही है कि नल जो खराब पड़ा हुआ है, ये आपके लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनाया, ये क्या बात है? प्रधान तो कोई सुनवाई नहीं करते, जो हम ही लोग चंदा करके आपस में सही करा लेते हैं, और फिर भी 2 साल हो गई समर को खराब हुए, समर लोगों ने निकाल लिए, वो खुद भरते हैं, हम लोग उनके घर पर जाए तो हमको नहीं भर लेते हैं, खुद भी कब्जा करके। कितने लोगों की भीड़ लग जाती है लगभग यहाँ पे? करीब 50 लोग या मान लो बस्ती। कितने लोगों के बीच में ये एक नल पर्याप्त है? करीब है 50 घरों के बीच एक नल यहाँ पे, वो लोग उनके घर पे समर है, वो तो भरते हैं, मगर हम लोग माता जी क्या नाम आपका? शांति। कहाँ की रहने वाली है? नेकी। क्या समस्या है आपकी माता जी? माता जी की जो समस्या है पानी की ज्यादा प्रॉब्लम। किसी से शिकायत की आपने? गए हम माँ का एक जा रहे। किसके पास? के जी। क्या बोला था? वो कहते ही है जाएगी। और किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की? और देखो बड़े अधिकारी माँ बैठते गए कलेक्टरी पे, मऊ गए से। क्या बताया था? बनू कहते हो जाएगा काम। कितने दिन पहले गई थी? गए 2 महीना से लाना है। अभी तक आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है? कोई नहीं भैया है। पानी के लिए कब से समस्या आपकी? जब 2 साल हो गई। 2 साल से आपकी समस्या हल नहीं की गई? चेयरमैन साहब के द्वारा क्या बोला जाता आपसे? वो जो कह देता बेजाने नगर पालिका वाले, और कौन कह देता चेयरमैन जाने कोई, मतलब चेयरमैन साहब के द्वारा बोला जाता है कि नगर पालिका वाले जाने। जब आप चेयरमैन साहब के पास में गए थे क्या बोला था आपसे? पहुँचो। किसके पास? चेयरमैन के जोरे। अच्छा, वो कह दी कि 2-3 दिन में समर लग जाएगी और पानी की व्यवस्था आ जाएगी, तुम प्यासी हो तो। फिर आप प्रधान के पास गए, प्रधान ने क्या बोला था? चेयरमैन के पास फिर कह दी कि मैं जा कलेक्टरी पे। कलेक्टरी पे? हाँ, कलेक्टरी पे गए थे, बड़े बाबू के जोरे गए, छोटे के माँ से माँ जा, माँ से माँ जा। कोई समस्या का समाधान नहीं है? 2 साल से आप भटक रही हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? प्रधान तो कही दे तो हम पर प्रधान ही ना, हम पे